जवान जवान के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ऑनेस्टली कहूँगा, जो भी रिव्यू होगा मेरा ये ऑनेस्टली होगा भाई। कोई भी पेड रिव्यू नहीं रहता है, और इतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं कि एसआर के सर मुझे पहचाने और पैसे दे। ओके, मूवी देखने के बाद वाला मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं एक बात एक वर्ड में कहूँ ना मेरे भाई, ब्रिलियंट। सीरियसली कह रहा हूँ, अनिरुद्ध के बीजीएम से लेके जो जवान का सीक्रेट है वो इतना बाप लेवल है कि आई डोंट थिंक कि आप लोग इमेजिन भी कर सकते हो कि ये है। और देखो, मेरे लाइफ का एक ही रूल है, मूवी पसंद आई तो दिल में, वरना दिमाग में भी नहीं। जैसे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जवान की कंपेयर आप पठान से मत करो। मुझे पठान बिल्कुल नहीं आई थी पसंद, और मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जवान में वो सब कुछ है जो होना चाहिए और इवन उससे भी ज़्यादा है। जो रोल भाई शाहरुख खान के, मैं तो कहूँगा कि 7 से 8 रूप देखने को मिलेंगे आपको। अब वो कितने रोल है कितने नहीं वो नहीं बताऊँगा मैं आपको, और कुछ भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सीक्रेट रिवील करूँ। पर भाई मैं प्रियमणि की बात करूँ, सानिया मल्होत्रा, रिद्धि डोगरा, कितने तो लोग यार इसमें, आई मीन नयनतारा, विजय सेतुपति और शाहरुख के बारे में तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन सुनील ग्रोवर, स्टार कास्ट। सिर्फ स्टार कास्ट नहीं भाई, वो जो जिंदा बंदा, सिर्फ जिंदा बंदा ही क्यों भाई, इस मूवी का जो अनिरुद्ध का जो बीजीएम है ना, वो इस मूवी की जान है। और मूवी में इतने सारे आपको सीक्रेट्स देखने को मिलेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते हो। और सीरियसली, मैंने खुद जब इसका अर्ली रिव्यू के बारे में बात की थी, मुझे लगा था यार ये आखिरी रास्ता टाइप तो नहीं है, तो भाई ये नहीं है वैसा, ये कुछ डिफरेंट ही है, डिफरेंट है ये भाई। और मैं कभी भी उस टाइप का नहीं हूँ कि भाई बेवजह मूवी का खराब बोल। हाँ खराब होती ना भाई, मैं बोल भी देता, सीरियसली बोल रहा हूँ, बट भाई इसमें खराब होने जैसा कुछ भी नहीं है। जो एक्शन है ना, कॉमेडी कॉमेडी भी कॉमेडी, मतलब यार जो एसआरके का वो जो कैरेक्टर दिखाया है ना, वो जो सबकी ले रहा होता है, उसके मुंह से वो गाना सुना, वो वगैरह, वो जो जिस तरीके से संगी पना करता है उन लोगों के साथ, वो देखने में कुछ मज़ा ही आता है। VFX के बारे में भाई एक बात ज़रूर कहूँगा, देखना है तो IMAX में देखो यार, IMAX में महंगा होगा, लेकिन अगर एक ही बार देखने वाले हो ना तो जाओ, जाके देखो। जो शाहरुख के फैंस नहीं हैं उनको बोल रहा हूँ, उनको भी ये मूवी पसंद आएगी, और जो उसके फैंस हैं वो इस मूवी को भाई, हाँ इस मूवी को भाई आप सर पे चढ़ा सकते हो, ये मैं खुद भी बोल रहा हूँ, क्योंकि पठान में वैसा मुझे नहीं लगा था भाई कि कुछ था, पर ये मूवी में भाई अतली का दिमाग जीनियस है आदमी भाई। और ये सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई बड़ा चढ़ा के तारीफ नहीं है, जो सच है ना, जो मूवी देखने के बाद मेरा एक सडन रिएक्शन था ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि भाई मैंने कोई डिसाइड किया है, मुझे देखो भाई मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि भाई सिर्फ किसी की तारीफ कर दो सब्सक्राइबर्स के लिए ना यार, या फिर नए सब्सक्राइबर्स के लिए, मैं मेरी बात पे कायम रहता हूँ। बट यार ये मूवी में ना ऐसा कुछ गलत निकालू मैं क्या, मतलब क्या चीज़ें निकालू मैं गलत, अगर निकालनी भी है तो सोच के। एंड बाय द वे, दीपिका का कैमियो भी बेहतरीन है। उसका रोल के भी बारे में ज़्यादा कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी स्पॉइलर वॉइलर यहाँ पे आए। तो भाई ये आप एंजॉय कर सकते हो, सिर्फ एंजॉय नहीं, ये धमाका है। एंड आप एक बार तो डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 4 स्टार्स में मेरी तरफ से दूंगा फिल्म को, और मैं ज़्यादा या कम की बात नहीं है मेरे भाई, आप ऑनेस्टली कह रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैंने एंजॉय किया यार, बाकी मुझे नहीं पता। और जो लोग बोल रहे कि भाई नहीं हम नहीं देख सकते OTT वगैरह टाइप के, मैं एक बात कहूँगा यार, ये मूवी देखना है तो इधर सिंगल स्क्रीन में देखो, सीरियसली बोल रहा हूँ, OTT का मत करो इंतज़ार, सिंगल स्क्रीन में देखो, ये पहला पॉइंट है मेरा। एंड दूसरी बात है, अगर देखना है फिर IMAX में देखो, आई मीन एक तो सबसे महंगे में देखो या फिर सिंगल स्क्रीन में देखो, मल्टीप्लेक्स में भी अगर देखना है तो IMAX में देखो यार, मल्टीप्लेक्स से भी ज़्यादा, मतलब मेरा ये कहना है IMAX थिएटर अगर होगा आपके यहाँ पे। हाँ टिकट महंगे है भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, टिकट कॉस्ट है इसको। तो ये आप लोगों पर है, क्या आप लोग डिसाइड करते हो। मैंने एंजॉय किया, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा,
और कम ज़्यादा की स्क्रिय ये नहीं है भाई कि भाई बेवजह का कम स्टार दूंगा वगैरह। देखो भाई, जब पहली बार आप देख लेते हो ना, ये ऑटोमेटिक आपका रिएक्शन आ जाता है। मैं पहली बार देखा हूँ तो भाई जो ऑनेस्ट है वो मुझे लगा, क्योंकि मुझे उस मूवी से गलतियाँ निकालने जैसा कुछ लगा नहीं, एंड दैट्स इट। पर मज़ा तो आया भाई, एंड डायलॉग बाजी, डायलॉग डिलीवरी शाहरुख खान की, वो सोल्जर वाला डायलॉग, मज़ा आ जाता है। और भी ऐसे सिर्फ मतलब जो ट्रेलर में नहीं थे ना, ऐसे भी कुछ डायलॉग्स हैं जो आपको यार मज़ा आएगा। आई मीन रिद्धि डोगरा वाला भी एंगल अच्छा लगेगा आपको। सिर्फ ये नहीं है रे भाई, बहुत सी ऐसी सब प्लॉट्स भी बहुत है कि कैसे बताऊँ मैं आपको, कि बहुत सी चीज़ें ना बताना ज़्यादा बेटर है यार। एक बार देखिए, आपको आपका कैसा रहता है एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताइए, फिर अगर मूवी देखी है तो बताइए कैसी थी। एंड दैट्स इट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। पॉजिटिविटी कम है भाई दुनिया में, तो प्लीज़ शेयर कीजिए।